आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड सालार मूवी के रिलीज से पहले बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि यार इसमें रॉकी भाई हैं, रॉकी भाई आने वाले एंट्री होगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतजार था कि हाँ रॉकी भाई कहीं ना कहीं तो इसका उससे KGF से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होगा। बड़े बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि यार इसका कनेक्शन है KGF से, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और बस वो कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपने व्यूज़ पाने के लिए ऐसा कर रहे थे और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका KGF का और उसका सालार का कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्योंकि उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया था, प्रशांत नील ने साफ साफ बोला है कि इस मूवी का, KGF मूवी का और सलार मूवी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्योंकि मूवी का कनेक्शन तब होता है जब कहीं ना कहीं से कोई कहानी इसमें सिमिलैरिटी लगती, पर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है इसमें। इसमें एक दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो कि उनकी लड़ाई के ऊपर है, उनकी कैसे कैसे गद्दी को उसी गद्दी पर बैठने जा रहा है, कैसे राज करना चाह रहा है उसके ऊपर है। एंड इसमें कहा गया कि यार रॉकी भाई तो दिखाई नहीं दिए। रॉकी भाई इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि ये पार्ट पहला था, पर पहला पार्ट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खींचने वाला था। वैसे भी वैसे मूवी तो लंबी थी, मूवी और भी लंबी हो सकती थी क्योंकि पहला पार्ट था और सबको इंट्रोड्यूस कराने में ही इनका पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे इनका पूरा इंट्रोड्यूस कराने में कि क्या है क्या नहीं है समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और हो सकता है कुछ लोगों को ना भी समझ आई हुई एक बार में मूवी, तो ऐसा भी हो सकता है। मूवी की कहानी जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि इसका नाम ही अभी तक मेरे को याद नहीं है। करेक्टर की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि करेक्टर कुछ ऐसे ऐसे होते हैं ना कि हमारे माइंड में जो है छप जाते हैं कि हाँ यार ये नाम है ऐसा नाम है, पर उसमें नाम ज़्यादा बड़े थे। अभी राधा कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गैंगस्टर है, कोई ना कोई खतरनाक है, हर बंदा जो निकल के आ रहा है वो उससे बड़ा विलन है, वो उससे बड़ा विलन है। तो इसमें रॉकी भाई कहाँ है, यही सबका सवाल था। एंड हाँ बिल्कुल इसमें रिवील करने वाले हैं कि रॉकी भाई कहाँ है। तो रॉकी भाई आपको पार्ट 2 में देखने वाले हैं क्योंकि इसमें तो इनको इतना टाइम नहीं था कि रॉकी भाई को दिखाएं और इस सीन में डालें, तो मूवी और ज़्यादा लंबी हो जाती कि कहाँ से कौन से सीन में। क्योंकि मुझे नहीं लगता रॉकी भाई की इस मूवी में इस पार्ट में पार्ट 1 में ज़रूरत थी, या पार्ट 2 में कैसे ज़रूरत होगी वो तो यार आने वाले टाइम में ही बता सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे कोई बता नहीं सकता। क्योंकि KGF की जो है रॉकी भाई है उनकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या ऐसा टाइम आ जाएगा कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। और पार्ट 2 में अगर रॉकी भाई आए भी तो या हो सकता है 1-2 मिनट के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी मूवी है, बहुत ज़्यादा लंबी फाइट भी है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक विलन नहीं है इसमें, काफ़ी सारे विलन है, काफ़ी सारे विलनों का फौज है, आर्मी है, सारा कुछ है। तो उस चक्कर से उनके फिर एक्शन है, उनकी जो लड़ाई होगी उस हिसाब से कि अब भाई KGF में जो रॉकी भाई है वो अपने आके इसमें क्या करेंगे, कौन सी फौज लेके आएंगे, किसका साथ देंगे वो, किसका नहीं देंगे, ये पार्ट 2 में। हाँ मैं ये कह सकता हूँ ये तो कन्फर्म है कि रॉकी भाई की एंट्री तो होने वाली है, बट वो हो सकता है कि लास्ट में एंट्री हो, कि कहीं ना कहीं कोई कुछ पेचीदा या उसको ज़रूरत हो, या प्रभास को ज़रूरत हो, या उनके दोस्त को ज़रूरत हो, तो जाके वो कहीं ना कहीं वो सुलह कराने या लड़ाई को शांत कराने एट दी एंड में आ सकते हैं कि हीरो फंस गया परेशानी में, आप क्या होगा, आप क्या होगा। क्योंकि अक्सर हो ही रहा है, क्योंकि टाइगर 3 मूवी में इन्होंने दिखाया था कि टाइगर 3 में जब वो फंस गए थे कि यार अब ये जेल से कैसे निकलेंगे, तो वही हुआ कि शाहरुख खान ने एंट्री मारी और उनको छोड़ा के ले गए, उसके बाद कहानी आगे बढ़ी। तो इसी तरह चल रहा है और ये इसी तरह फैंस को पसंद भी आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोग इस टाइप से कर रहे हैं। तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 में रॉकी भाई की एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, और थोड़ी देर के लिए ही होगी, पर हमारे लिए इतना ही काफी कि रॉकी भाई को देखने को मिलेगा, उनका एक्शन देखने को मिलेगा। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ मैं तो इस चीज़ को देखने के लिए। एंड मिलते हैं इसी तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे हम बात करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।